हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अभी अपनी बिल्डिंग के नीचे और टहलने आई हूँ। बोर हो रही हूँ यार घर में। आजकल दवाइयाँ खा रही हूँ तो नींद आ जा रही है। दिन भर सोती रहती हूँ और दूसरा कोई काम नहीं है मुझे। तो गाइज, ये मेरी बिल्डिंग का एरिया वो वाला है, इसमें नीचे जिम है। गाइज, ये है जिम, क्लब हाउस है अंदर। अभी लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो गाइज़, मैंने 5-6 चक्कर मार लिए हैं बिल्डिंग के, थक गई हूँ। मैं जाऊँगी मेडिकल से थोड़ा सा सामान लूँगी एंड देन जाऊँगी ऊपर। और यार, मेरी बिल्डिंग के इस साइड में, ये जो आप साइड देख रहे हैं, इस साइड में कुछ फैमिलीज़ रहती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे अंधेरा ज़्यादा हो गया तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। तो गाइज़, ये मेरी बिल्डिंग के जस्ट राइट साइड में है। ये एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर लोग रह रहे हैं। और मैं रोज़ नीचे आती हूँ तो मैं देखती हूँ इन लोगों को। इनके घरों में लाइट भी नहीं है गाइज़, और पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे खाना खाते हैं और कहाँ से पानी लाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, थोड़ी बहुत नहीं है, काफ़ी फैमिलीज़ हैं गाइज़। और ये देखिए, अभी अंधेरा हो गया तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट फिर भी आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और कोरोना चल रहा है गाइज़, तो ये देखिए, आग जला रखी है, खाना भी आग में बनाते हैं गाइज़ ये लोग। पता नहीं खाना भी होता है कि नहीं होता डेली। हम लोग तो अपने अपने घरों में हैं, सेफ़ हैं, अच्छे से रह रहे हैं, बट इन लोगों को देखो तो लगता है कि लाइफ इतनी भी ईजी नहीं है। तो गाइज़, मैं बस मतलब यही देख रही हूँ यार कि मतलब हम तो अच्छे खासे रह रहे हैं, घर में ज़रा सी तबीयत ख़राब हो जाती है तो इतना टेंशन में आ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। बट इन लोगों को भी देखो यार, ये लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान जिसे भी धरती पे लाता है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ ही देता है, कहीं ना कहीं इनका भी गुजारा हो ही रहा है और ये लोग रह ही रहे हैं। बट ये है कि हाँ, सबकी मेहनत है, सबकी अपनी किस्मत भी होती है गाइज़, तो मैं किस्मत पर भी बहुत बिलीव करती हूँ। तो बट ये है कि हाँ, इन लोगों को देखो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसा मन करता है कि मैं कुछ करूं ऐसे लोगों के लिए, और के जिससे इनके चेहरे पे खुशी आए। और जितना भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए गाइज़। आजकल तो यूथ बहुत आगे बढ़ चुका है, जगह जगह जाके लोग हेल्प कर रहे हैं, तो करनी चाहिए ऐसे लोगों की हेल्प। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी ट्राई करूँगी आगे इन लोगों की हेल्प करने का। तो गाइज़ यार, मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ करूं। और देखो मतलब हम तो ज़रा सा घर में कुछ होता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, अभी घर पे इतना कोरोना को लेके टेंशन हुआ पड़ा है। बट इन लोगों को देखो, ये लोग कितने मतलब, इन लोगों की तरफ से क्या कोरोना क्या कुछ, इन लोगों को सिर्फ दो वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत होता है गाइज़ इन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए यार, और मैं चाहती हूँ कि दिल से इनकी हेल्प करूँ। बट अभी मेरे कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आ नहीं पा रहे हैं बिल्डिंग में कोरोना की वजह से। बट अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी इन लोगों के लिए। तो गाइज़ मतलब इन लोगों को देख के ये लगता है कि ज़िंदगी तो कट ही जाती है, और इनकी भी कट ही रही है गाइज़। और आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, तो ये लोग भी अपनी ज़िंदगी काट ही रहे हैं और हम लोग भी काट ही रहे हैं अपनी ज़िंदगी। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोग वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, और कोई हमसे भी ऊपर होगा। तो बस लाइफ में यही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। ज़िंदगी को हंसते हुए खुशी से जी लो, चाहे आपको सिचुएशन कैसी भी हो गाइस, क्योंकि हमें ज़िंदगी काटनी ही है और जीना ही है। ऐसा नहीं है कि इंसान को मतलब ज़रा सी भी परेशानी आए तो इंसान हिम्मत हार जाए और सुसाइड कर ले, तो ये सब नहीं करना चाहिए। बट इन लोगों को देख के मुझे हमेशा एक पावर मिलती है कि जब ये लोग काट सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो यही है यार लाइफ, बस। तो यार गाइस, बस मेरी ये पूरी बात का सिर्फ एक ही निचोड़ था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी कट ही जाएगी, बस ये है कि खुशी खुशी से जीते रहो। तो गाइस, मैं जा रही हूँ मेडिकल, सोच रही हूँ एक दो डब्बे जूस ले लूँ क्योंकि वीकनेस सी लग रही है अभी भी। तो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और अब मैं जाऊँगी सीधे वॉशरूम में और पूरे अपने हैंड वॉश करूँगी, लेग वॉश करूँगी और पूरा अच्छे से फ्रेश होंगी। क्योंकि जब भी आप बाहर जाओ, घर आते ही आप लोग अच्छे से फ्रेश हो जाओ ताकि बाहर के जो भी जम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं।
तो गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ और बहुत थकान हो जा रही है आजकल। बस जरा सा भी हल्का सा भी कुछ काम कर रही हूँ या नीचे जा रही हूँ वॉक कर रही हूँ तो बहुत जल्दी थकान हो जा रही है। तबीयत तो ठीक है बट वीकनेस है और वीकनेस जाने में टाइम लगेगा। और जूस पी रही हूँ जो डॉक्टर ने शैशे दिए हैं वो भी पी रही हूँ पानी में डाल के, और जो भी ग्लूकोज वगैरह है सब ले रही हूँ। बट फिर भी वीकनेस जाने में आई थिंक टाइम लगेगा। और बस अभी खाऊंगी खाना, दाल रोटी, और उसके बाद दवाई लूँगी और सो जाऊँगी। बस सेम शेड्यूल चल रहा है गाइस, बस जल्दी से अच्छे से ठीक हो जाऊँ देन आपको कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ आपके लिए, या कुछ खाना खाने से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड या कुछ और। बस तबीयत ठीक होने का वेट है, तो देखते रहिए गूंज व्लॉग्स और देखना ना भूलें गूंज वेव्स। थैंक यू सो मच।